चलिए गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम बेस। आज हम आपके लिए लेके आए हुए हैं इस वीडियो में टॉप 35 क्वेश्चन जो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछे गए हैं और एक्सपेक्टेड भी है कि जो आगे एग्जाम हो उसमें भी क्वेश्चन आ सके। तो चलते हैं अपना क्वेश्चन पे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलते हैं अपना क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था। चलिए बताइए नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था। तो ये था रविंद्र टैगोर। कौन था? रविंद्र टैगोर। दूसरा है मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई। चलिए बताइए मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई। तो आपका आंसर है 1995 में। कब शुरू हुई? 1995 में। तीसरा क्वेश्चन है लोधी वंश का संस्थापक कौन था। चलिए बताइए लोधी वंश का संस्थापक कौन था। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। कौन सा लोधी? बहलोल लोधी। चलिए हम एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ लेंगे और जिनको जो स्टूडेंट को याद ना हो वो हमारे साथ रिपीट करें तो उसको भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। चलिए बताइए कि संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो यह है आपका 42वें संविधान को। किसको कहते हैं? 42 संविधान को। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाता है। चलिए बताइए ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाता है। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन एंड हीलियम गैस का मिश्रण। कौन सा गैस का मिश्रण? ऑक्सीजन एंड हीलियम गैस का मिश्रण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम्योपैथी का संस्थापक कौन था। चलिए बताइए होम्योपैथी का संस्थापक कौन था। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर है हमीमैन। कौन सा? हमीमैन। इसको याद करने का ट्रिक है हम ही मैन। ठीक है, इसका याद करने का ट्रिक है हम ही मैन, मतलब कि हम मैं ही मैन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों को पकाने में कौन सी गैस का उपयोग मिलाई जाती है। चलिए बताइए फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग मिलाई जाती है। तो इसका आंसर है एथिलीन। कौन सा आंसर है इसका? एथिलीन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखिएगा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। चलिए बताइए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो इसका आंसर है बांसुरी। क्या बजाते थे? बांसुरी। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। चलिए बताइए सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। ये करवाया था अशोक ने। किसने करवाया था? अशोक ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। चलिए बताइए यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यक्षगान है आपका कर्नाटक का लोक नृत्य है। क्या है? कर्नाटक का है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है। चलिए बताइए मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है। तो आपका सही आंसर है भारत और चीन के बीच में। कहाँ कहाँ? भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा गुजरती है। एक बाउंड्री है जो मैकमोहन रेखा उसे कहते हैं। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज के खाद्य भाग कौन सा होता है, मतलब खाने का भाग कौन सा होता है प्याज का। प्रीवियस 2 से 3 बार लगातार पूछा गया क्वेश्चन है कि प्याज में जो खाने का भाग होता है वो कौन सा होता है। तो कौन सा होता है? तना होता है। क्या होता है? तना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्का क्वेश्चन, स्वर प्रश्रव में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, मतलब कि सुनने की तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो ये होती है, ये तो बच्चा बता देगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। कितना होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। चलिए बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुबनी किस राज्य का लोक चित्र शैली है। चलिए बताइए मधुबनी किस राज्य का लोक चित्रकला शैली है। तो है इसका आंसर बिहार राज्य का है। ठीक है, दरभंगा के पास है मधुबनी। ठीक, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। चलिए बताइए किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? चलिए बताइए, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है नीलम संजीवा रेड्डी। कौन सा? नीलम संजीवा रेड्डी। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है और आप देख रहे हैं एग्जाम बेस पे, एग्जाम बेस चैनल पे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला की साक्षरता दर किस राज्य में सबसे ऊंची है? चलिए बताइए, महिला की साक्षरता दर किस राज्य में सबसे ऊंची है? तो ये है केरल में। कहाँ पे है? केरल में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता उन्मूलन में आर्थिक आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य थे? चलिए बताइए, निर्धनता उन्मूलन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य थे? चलिए बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर है पंचवर्षीय, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। कौन सा है? कौन सा योजना? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए बताइए, बदरुद्दीन तैयबत जी ने किस स्थान पर आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? चलिए बताइए, किस स्थान पर, कहाँ की थी? राजस्थान पे। याद रखना क्वेश्चन, एक काफ़ी बार कांग्रेस के क्वेश्चन में पूछा जाता है, मद्रास। इसमें अधिवेशन 4 को हुआ था। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों के 1946 में चलाए गए मुकदमे में वकीलों के पैनल का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों के 1946 में चलाए गए मुकदमे में वकीलों के पैनल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपका है भोला देसाई। किसने किया था? भोला देसाई ने। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन बन रहा है तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर करें भाई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव पारित किया? चलिए बताइए, कांग्रेस के किस अधिवेशन ने स्वदेशी का प्रस्ताव पारित किया? तो ये आपका कलकत्ता अधिवेशन में किया गया। कहाँ किया गया? कलकत्ता अधिवेशन में। आई कब हुआ था? 1906 में। कब हुआ था? 1906 में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस घटना के संबंध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की पदवी त्याग दी थी? चलिए बताइए, किस घटना के संबंध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की पदवी त्याग दी थी? तो यह है जालियांवाला बाग नरसंहार के संगठन घटना के संबंध में। चलिए, जालियांवाला बाग याद रखिएगा, जालियांवाला बाग के संबंध में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंग्रेज फिलिप स्प्रेट पर किस शस्त्रयंत्र के लिए मुकदमा चलाया गया? चलिए बताइए, एक अंग्रेज फिलिप स्प्रेट पर किस शस्त्रयंत्र के लिए मुकदमा चलाया गया? तो है इसका आंसर मेरठ शस्त्रयंत्र केस में। कौन सा? मेरठ शस्त्रयंत्र केस में। तो याद रखिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण साहित्यकार में सर्वाधिक प्राचीन कौन से ग्रंथ हैं? चलिए बताइए, ब्राह्मण साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन कौन से ग्रंथ हैं? तो वो है वेद ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ? वेद ग्रंथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिकार को B.R. अम्बेडकर ने संविधान का दिल एवं आत्मा कहा था? किस अधिकार को B.R. अम्बेडकर ने संविधान का दिल और आत्मा कहा था? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है संवैधानिक उपचारों के अधिकार में। किसका? संवैधानिक उपचारों के अधिकार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटलस ड्रैक्सबर्ग पर्वत तथा किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महाद्वीप में है? चलिए बताइए, एटलस ड्रैक्सबर्ग पर्वत तथा किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महाद्वीप में है? चलिए बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है अफ्रीका में। कहाँ पे है? अफ्रीका में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए, राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? चलिए बताइए, राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो बताइए, उद्योगों को पुनः संरचना और आधुनिकीकरण के लिए किया गया था। उद्योगों के पुनः संरचना और आधुनिकीकरण के लिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि प्राथमिक घाटों में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किस घाटे के बराबर होता है? चलिए बताइए, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किस घाटे के बराबर होता है? तो वह होता है राजकोषीय घाटे। क्या होता है? राजकोषीय घाटे के बराबर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? चलिए बताइए, किसने पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? तो यह है आपका कॉलडोर ने। क्या है? कॉलडोर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन कौन होता है? तो बताइए, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन कौन होता है? तो बताइए इसका आंसर, इसका आंसर है योजना आयोग का सचिव। चलिए बताइए, योजना आयोग का सचिव। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की संरचना कब हुई? चलिए बताइए, बौद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक की संरचना कब हुई? तो इसका है महात्मा बुद्ध के निवारण प्राप्त करने के बाद। क्या हुआ? महात्मा बुद्ध के निवारण प्राप्त करने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्कोटिरिक नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? चलिए बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, हिस्टोरिक नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है हेरोडोटस। क्या है? हेरोडोटस। इसका आंसर याद रखना है आपको, इसका आंसर क्या था? हेरोडोटस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था? चलिए बताइए, महाबलीपुरम किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था? तो ये आपको बताना है, आंसर बताइए इसका। इसका आंसर है पल्लव शासकों के शासनकाल में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर किया करें भाई, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर का राजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक में बनाया था? चलिए बताइए, क्या है क्वेश्चन? तंजौर का राजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो इसका आंसर है चोल वंश के शासक ने। किसने बनवाया था? चोल वंश के शासक ने। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ही देना है। तो इसका आंसर है, इसका क्वेश्चन है, सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? चलिए बताइए, बताइएगा आंसर कमेंट बॉक्स में, ज़रूर इसको देना आंसर। सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और हाँ, चलिए बताइए, इस क्वेश्चन, इस वीडियो में आपसे जितना भी क्वेश्चन बना है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जहाँ भी प्रॉब्लम हुआ है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करें दोस्तों के पास। ठीक है, थैंक यू।